हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज की वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो गाइज आपको वहाँ पर एक एरर आ रहा है, लिखा है बैंक अकाउंट ओपनिंग इज डिसेबल्ड। तो अभी गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो एरर आ रहा है बैंक अकाउंट ओपनिंग इज डिसेबल्ड, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कि बैंक अकाउंट ओपनिंग इज डिसेबल्ड, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब जैसे ही आपके सामने पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होता है तो इसका जो होम इंटरफेस होगा आपके सामने इस तरह से आएगा। तो अब गाइज आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ नीचे जाएंगे तो गाइज अब आपको एक सेक्शन मिलेगा माई पेटीएम का, और इसी सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल सर्विस का। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑल सर्विस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीचर्स यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज आपके सामने जो पट्टी शो हो रही है लेफ्ट साइड में, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेटीएम बैंक का। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब पेटीएम बैंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपके सामने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज आप यहाँ क्लिक करेंगे ओपन योर सेविंग अकाउंट। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप गाइज यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पहला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे आई विल डू इट लेटर। उसके बाद आप यहाँ से इस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो अब जैसे आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा जी, आपके सामने एरर शो हो जाएगा बैंक अकाउंट ओपनिंग इज डिसेबल्ड। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अभी गाइज रिसेंटली जो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, और उसमें बताया गया फ्रेंड कि हम जो है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, कुछ सिक्योरिटी की वजह से हम पेटीएम को अभी ये नहीं अलाउ करेंगे कि वो जो है अपने एप्लीकेशन में किसी नए कस्टमर का अकाउंट ओपन करे या फिर उसके KYC को कम्प्लीट करें। तो फ्रेंड, ये जो एरर है ये पेटीएम एप्लीकेशन की तरफ से है, और पेटीएम एप्लीकेशन को RBI का गाइडलाइन मिला हुआ है जिसकी वजह से पेटीएम ने बंद किया हुआ है। तो गाइज अभी आप यहाँ पे जो है न्यू कस्टमर का अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकते, यहाँ तक कि फ्रेंड आप यहाँ से फुल KYC भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही फ्रेंड आप यहाँ से अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आप ये मान के चलिए कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको जो है विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड अभी जो है RBI का गाइडलाइन है और वो जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी को चेकअप कर रही हैं। तो बस गाइज, इस वीडियो में मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।